हेलो फ्रेंड्स हमारा वॉकेप सीरीज का फर्स्ट ईडियम फर्स्ट इडियम है हिट द हे हे का मतलब होता है ग्रास का बंडल जो हम एनिमल के लिए क्या करते हैं कट करते हैं एनिमल के लिए जो ग्रास का बंडल होता है ना बंडल ऑफ ग्रास तो हिट करना मतलब पंच करना तो इसका मतलब ये नहीं है इस ईडियम का कि हम हे को पंच कर रहे हैं मार रहे हैं ओके दिस इज़ नॉट द वे ओके दिस इज़ नॉट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड दिस ईडियम ओके okay, हमारा मतलब इसमें है गो टू बेड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिट द है हिट द है का मीनिंग है टू गो टू गो टू बेड एन ऑर्डर इन ऑर्डर टू स्लीप मतलब सोने के लिए जाना ओके okay? जब आपको बहुत नींद आ रही है बहुत थक रहे हैं टायर्ड है तो आप क्या बोलोगे हिट द है आई वॉन्ट टू गो टू आई वॉन्ट टू हिट द है hey, अब इसका सिनोनिम मैं आपको बताऊंगी इसके सिनोनिम सिनोनिम्स मतलब हिंदी में हम जिसको पर्यायवाची है बोलते हैं क्या होगा बैडिंग क्या होगा बैडिंग ओके नेक्स्ट हम बोलेंगे क्रैशिंग आई वॉन्ट टू क्रैश ओके है ना ये हो सकता है नेक्स्ट वन इज डोजिंग डाउन नेक्स्ट वन इज डोजिंग डाउन ये तीनों इसके क्या है सिनेम्स ओके है. Okay? अब इसके मैं आपको एंटोनिम्स बताती हूँ एंटोनिम्स मतलब क्या होता है ऑपोजिट एंटोनिम्स मतलब होता है एंटोनिम्स मतलब होता है ऑपोजिट क्या होगा सोने के लिए बात करें तो इसका ऑपोजिट होगा गेटिंग अप क्या होगा गेटिंग अप और राइजिंग ओके और अराइजिंग ठीक है दिस वन गेटिंग अप राइजिंग एंड अराइजिंग ए आर आई एस आई एन जी ओके राइजिंग अब इसका हम सेंटेंस बनाएंगे क्या बनाएंगे हिट द ए का सेंटेंस ओके okay? सेंटेंस सेंटेंस क्या होगा इसका जिसे आप बना सकते हो आई हैव टू गेट अप अर्ली फॉर वर्क आई हैव टू आई हैव टू गेट अप अर्ली गेट अप अर्ली फॉर वर्क फॉर वर्क सो आई थिंक सो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है क्या लगता है आई वुड आई वुड शॉर्ट फॉर्म है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ओके आई वुड बेटर आई वुड बेटर हेट द है देखो मैंने ये यूज़ किया ना इडियम हिट द है मतलब आई हैव टू आई हैव टू गेट अप अर्ली मुझे जल्दी उठना पड़ेगा टुमारो यहाँ पे टुमारो ऐड कर सकते हैं फॉर वर्क किसके लिए काम के लिए वर्क के लिए सो आई थिंक इसलिए ऐसा मुझे लगता है आई वुड बेटर हिट द है मुझे सो जाना चाहिए ओके okay? मतलब सो जाना मेरे लिए बेटर होगा एक और सेंटेंस बनाते हैं इस पर हम आई एम एग्जॉस्टेड E X H A U S T E D. I am exhausted. It's it's time to hit the hay. Okay. मतलब मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ थकने के लिए क्या यूज़ करते हैं एग्जॉस्टेड क्या बोलते हैं एग्जॉस्टेड हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं ना बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही गर्मी हो जाती है परेशान हो जाते हैं तो भी हम कहते ना एग्जॉस्टेड हो गए बहुत ही ज़्यादा है ना घुटन सी महसूस होना तो यहाँ पे क्या है एग्जॉस्टेड का मतलब टायर्ड आई एम वेरी मच टायर्ड आई एम टू मच टायर्ड सो इट्स टाइम टू हिट द है इसीलिए क्या टाइम हो गया है सोने का टाइम हो गया है ओके okay, एक लास्ट एग्जाम्पल आई एम आई एम बुश्ड बोझ का मतलब भी अगेन क्या हो गया टायर्ड तो मैंने आपको दो वर्ड्स और बताए एग्जॉस्टेड वो भी टायर्ड के लिए आएगा और बोझ भी किसके लिए आएगा टायर्ड के लिए दैट यू आर वेरी मच टायर्ड आई थिंक आई थिंक आई विल आई विल हेट द हे मतलब आई एम बोस्ट मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ इसलिए मुझे लगता है आई थिंक मतलब मुझे लगता है आई विल हिट द है इसलिए मुझे लगता है कि मैं सो जाऊँगी ओके okay? तो होपफुली आपको ये फर्स्ट ईडियम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप डेली रूटीन में यूज़ करेंगे हिट द है अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आप अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जिनको भी इसकी नीड है आप उनको शेयर करें थैंक यू